हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने को दिया हुआ है आपको। मैं बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 9 इसका एक फार्मूला आता है। मैं इसको फार्मूला आपको लिख देता हूँ, जिसको हम लोग आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटीज है सबसे लास्ट वाली, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और अगर प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको एकदम क्लियर होगी। ये फार्मूला एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमारा आइडेंटिटीज़ है इसी बुक का, ठीक है, सबसे लास्ट वाला आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसी का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 27x³, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 × 3x, मतलब ये हमारा क्या है, 3x है, एक्स हमारा 3x है और वाई और इनटू जेड, ये हमारा तरीका होगा। इसको कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे सीधा सीधा, मैं नीचे लिखता हूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एक्स हमारा क्या है, 3x है, वाई हमारा क्या है, वाई और जेड हमारा क्या है, जेड है। तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो पहला टर्म्स था उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस सॉरी माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ए हमारा क्या है 3x है, तो लिखेंगे 3x इंटू बी क्या हमारा है, वाई है, तो 3x इंटू वाई, फिर माइनस 3x नहीं वाई बी इंटू एक्स, मतलब वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड मतलब वाई इंटू जेड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इंटू, क्योंकि वाई इंटू जेड हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस जेड इंटू एक्स, जेड हमारा क्या था, जेड था और एक्स हमारा क्या था, 3x था, तो जेड हमने जेड लिख दिया और एक्स हमारा क्या था, 3x था, हमने इसको लगा दिया। अब इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह 3x प्लस वाई और ये प्लस जेड हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3xy, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड, फिर माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3zx इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किस फॉर्मेट पर लगा, इसी फॉर्म पर हमने लगाया है और अच्छे से हम उसको क्या क्या सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप जब भी क्वेश्चन लगाए आप क्या करिए, स्टेप बाई स्टेप लगाइए, बिना डरे बिना समय एकदम आराम से आप क्वेश्चन को क्या करिए, अच्छे से लिखिए, ब्रैकेट लगा लगा करिए, आप एकदम आसानी से इसको कर ले जाएंगे, बिल्कुल ही आसान होता है, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।